तो समस्या ये है कि ये आइकॉन जो है डेस्कटॉप पे ये डिलीट नहीं होता है, इसको आप हटा नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये आता कब है, जब हम लोग विंडोज स्पॉटलाइट यूज़ करते हैं, लेकिन आज इसको हम लोग डिलीट करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, एकदम डेस्कटॉप से हटा देना है। आज हम लोग क्या करेंगे कि रजिस्ट्री एडिटर का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे रजिस्ट्री लिखना है, यहाँ पे ऊपर रजिस्ट्री एडिटर आ जाएगा, इसको खोलना है। अब ये पूरा मैंने पाथ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आना है न्यू स्टार्ट पैनल पे आएगा। तो सिंपल सा तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको दिया हुआ है, आप इसको कॉपी कर लो और सीधे यहाँ पे ला करके ये जो ऊपर कंप्यूटर के ऊपर ये जो यहाँ पे कंप्यूटर देख रहा हो ना, इसको एडिट करो पहले और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इंटर कर दो। तो आप डायरेक्टली जहाँ पे आना है हम लोगों को वहाँ पे आ जाओगे। अब आपको क्या करना है कि राइट, ये जो खाली जगह है इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है, और इसमें से आपको डिवर्ट 32 बिट वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। और फिर एक और चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको भी आप कॉपी करो और फिर रजिस्ट्री एडिटर में जा करके ये नया जो हमने न्यू वैल्यू दिखा रहा है, नया क्रिएट किया है, इसको राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे और इसका नाम चेंज करेंगे। तो कॉपी किया है तो पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसको क्या करना है कि आप डबल क्लिक करके इसको ओपन करो, और ये जो जीरो दिया हुआ है ना वैल्यू यहाँ पे, इसको जीरो को हटा करके आपको वन कर देना है और ओके कर देना है। बस इतना सा काम करना था, आपका काम हो गया है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे आकर के रिफ्रेश करो इसको, तो ये आइकन गायब हो गया है। अब मैं आपको पूरा डेस्कटॉप ये नोटपैड मिनिमाइज करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जब भी विंडोज स्पॉटलाइट हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो जो बैकग्राउंड में ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम इमेजेज जो होती हैं वो कॉपीराइटेड होती हैं, तो मैंने एक तरह से उसको हाइड किया हुआ है नोटपैड से खोल करके, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन आप करोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप हटाना चाहते हो आइकॉन, ये हट जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।